कक्षा दसवीं में हिंदी कविता भाग दो का पाठ एक माता का आंचल। इसकी पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था, पाठ में पाठ का सारांश पढ़ा था और इसकी कठिन शब्दों के अर्थ को देखा था कि जो लेखक है शिव पूजन सहाय जी, उनके देहाती दुनिया उपन्यास पर आधारित है ये माता का आंचल। और उन्होंने बचपने की जो बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की जो बचपना है बाल्यावस्था की उन्होंने उसको दर्शाया था कि जो लेखक है उनका अपने पिताजी से ज़्यादा लगाव था, माता उनको पकड़ कर उनके बालों में सरसों का तेल लगा देती थी, कुछ बाल सुलभ बातों का उन्होंने जिक्र किया था। आज हम इसी के आगे के पार्ट के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं जो आप लोग कॉपी में नोट करना बच्चों और उसको पढ़ना। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा या परेशानी के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है, आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर है कि पाठ से पता चलता है कि बच्चे का माता से सिर्फ दूध पीने का ही रिश्ता या नाता था, उसे उसका पिता ही कहला। लेखक थे वह अपने पिता के साथ सोते थे, उन्हीं के साथ नहाते थे, भी पूजा भी करते थे, खाना उनके पिताजी खिलाते थे और साथ ही खेलता था, वह सोता भी पिता के साथ था। परंतु जब सांप से डर कर पिता के पास ना जाकर अपनी माँ की शरण में चला जाता है, वास्तविक बात यह है कि बच्चा माँ के बिना अधूरा होता है। सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और माँ की गोद एक तरफ होती है। बच्चा जो सुरक्षा अपनी माँ की ममता भरी गोद में महसूस करता है वह कहीं और महसूस नहीं करता। यही वजह है कि विपदा के समय वह माँ की शरण में चला गया। अब है प्रश्न दूसरा कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाए? क्यों सिसक रहे थे भोलानाथ? क्योंकि उन्होंने भूषण तिवारी को चिढ़ा दिया था, तो उन्होंने अध्यापक से जाकर शाला में उनकी शिकायत कर दी थी, तो अध्यापक ने उनकी पिटाई करी थी। उत्तर है कि लेखक की माँ बच्चे के छटपटाने पर जब भी तेल डालकर उसकी मालिश करके चोटे कूद देती थी, फिर नजर का टीका लगाकर उसके पिता की गोद में दे देती, बस सिसकता हुआ गोद में बाहर जाता था। परंतु अपने साथ के बच्चों को खेलते देखता तो बाल सुलभ चंचल मन खेलने का आतुर हो जाता और वह खेलने लग जाता और बच्चा सिसकना भूल जाता। अब है आगे का प्रश्न कि बोला ना उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल काम के खेल में मिठाई की दुकान पर मिट्टी के लड्डू, गीली मिट्टी की जलेबी, पत्तों की पूरी और कचौरियां, कूदे घड़े के टुकड़े के बताशे इत्यादि, बारात का खेल छोटे छोटे बच्चे मिलकर बारात का खेल, कनस्तर का तंबूरा, आम के छोटे पौधे को घिसकर बनाई गई चूहे पानी की पालकी, धूल की ज्योलान, केले और आम के पत्तों का मंडप, सवारी के लिए बकरा इत्यादि, जो बच्चे खेतों में खेलते थे। अब है आगे का प्रश्न कि पाठ के आधार पर ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों पाठ के आधार पर। उत्तर है कि जब पिताजी रामायण का पाठ करते हैं।
जब पिताजी रामायण का पाठ करते हैं तो लेखक क्या करता है, आईने में या दर्पण में अपने को देखते हैं और पिता के हंसने पर वो क्या होते हैं, लजा जाते हैं या शर्मा जाते हैं। पिता बच्चे के साथ कुश्ती खेलते हैं और स्वयं हारकर वह क्या हो जाते हैं, चित हो जाते हैं। बच्चा छाती पर बैठकर मूछ और दाढ़ी उखाड़ता है तो वे उसके छोटे छोटे हाथ चूम लेते हैं और खट्टा मीठा अपनी दाढ़ी चुभा देते हैं। फिर है कि बच्चा पिता की आवाज को सुनकर अनसुना कर देता और माँ की गोद से चिपक जाता है। फिर आने का प्रश्न ये है कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति पर चित्रण, आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह से परिवर्तन देता है? तो उत्तर है कि सन 1930 में ग्रामीण संस्कृति सीधे साधी और अभावग्रस्त थी। इतनी सुख और सुविधाएं उस समय नहीं, सीधी सादी थी, अभावग्रस्त थी, चोट वगैरह के इलाज भी हल्दी से कर देते थे, विद्यालय में अध्यापक का रोग था। और अब जो हमको परिवर्तन दिखाई देते हैं वह इस प्रकार है कि खेल के नए नए उपकरण और सामान आ गए हैं, फिर बच्चों के पालन पोषण में फर्क हो गया है, धार्मिक विचार बदल गए हैं, अब बरामदे में हुक्के नहीं गुड़गुड़ाए जाते हैं। अब ये प्रश्न यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य रहते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य का मतलब ममता, स्नेह और प्रेम। तो उत्तर है कि माता पिता हर वक्त बच्चों की भलाई और पालन पोषण की कोशिश करते हैं। माँ बच्चों को भूख पिलाती है और खाना खिलाती है, वे बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलते हैं। पिता बच्चे को अपने पास बुलाता है, सुबह नहाकर पूजा में बैठाता है, घुमाकर लाता है, झूला झुलाता है और उसे खूब खिलाता और हंसाता है। माँ उसे तेल लगाकर उसकी चोटी बनाती है और नजर का टीका लगाती है, उसे सुंदर कपड़े पहनाती है, उसे रोते भी अपने आंचल में छुपा लेती है, उसकी चोटों पर हल्दी लगाती है और खुद भी स्वयं रोने लग जाती है कि मेरे बच्चे को चोट लग गई। अब है आगे का प्रश्न कि माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई इसका अन्य शीर्षक भी सुझाए। उत्तर है कि लेखक ने इस कहानी का नाम माता आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया। भोलानाथ को माता और पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला और उनका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता। पिता उसकी हर पीड़ा में सदैव साथ रहते, विपदा या परेशानी होने पर उसकी रक्षा करते, परंतु जब सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर भी प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है और उसके दुख से दुखी, उसके आंसुओं से खिन्न है, वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुदूर खो बैठती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की जो पीड़ा है उसको किस प्रकार समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे में आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। क्या बोला है यहाँ पर, क्या शीर्षक और हो सकता है? माँ की ममता। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। माँ की ममता इसका एक एक शीर्षक और हो सकता है। अब हम इसमें आगे का प्रश्न देखेंगे बच्चों।
कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करना और बातें करते करते अपने प्यार को व्यक्त करना। वे अपने माता पिता से रोक होकर या जिद करके अपनी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने के लिए अपने साथ खेलने को कहकर माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदारी के बारे में पूछकर अपना प्रेम जताते हैं। फिर देखिए इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन से किस तरह भिन्न है कि जो पहले जो लेखक ने बताया है कि उनका बचपना कैसे गुजरा और अब जो आज की स्थिति में बच्चे हैं उनके बचपन की दुनिया से किस प्रकार अलग है। तो यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत अधिक साधन नहीं थे। बच्चे क्या करते थे, आपस में मित्र मंडली के साथ खेलते थे। जैसे देखा कि वो पत्तों से मंडप बना देते थे और टूटे उससे मटके के सिक्के टुकड़ों से वो बताशे बनाते थे, मिट्टी से मिठाइयाँ बनाते थे, विभिन्न तरह की छोटी छोटी मूर्तियाँ बना देते थे। तो वे लोग, उनके पास उस समय बहुत अधिक साधन नहीं थे, परंतु आज खेलने के लिए बहुत अधिक साधन। तो वे लोग अपनी खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि यही क्या होते थे, साधन होते थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया उन बच्चों से शायद बिल्कुल अलग है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में ही अपना बचपना बिता देते हैं। बच्चों इस समय क्या था उनके पास, आजकल खेलने के बहुत सारे तरीके हैं। आप घर के बाहर, घर के अंदर और वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत से उपकरण आ गए हैं जो आप घर पर बैठकर ही खेल सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। परंतु जिस समय यह कहानी लिखी गई उस समय इन सब का अभाव। बच्चों आज ये यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को याद लिखेंगे और याद करेंगे।